बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ अहमद अली और आप देख रहे हैं प्रॉपर्टीज़ बाय अहमद यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम विजिट करेंगे ब्रांड न्यू 6.5 मरला कॉर्नर हाउस का, जो कि सेल के लिए अवेलेबल है। इसकी जो लोकेशन है वो है पहरिया टाउन फेजे रावलपिंडी, और बेसिकली ये 6.5 मरला कॉर्नर हाउस है, प्लस इसके अलावा कैटेगरी हाउस है। इसके राइट साइड भी ओपन है एंड इसके अलावा घर के बैक पे भी कोई भी घर नहीं बनेगा, तो दैट मीन्स कि डबल साइडेड ओपन हाउस है। ये काफ़ी ज़बरदस्त घर बना हुआ है और इसके अलावा डबल गेट है, डबल कार पोर्च है एंड 5 बेडरूम्स अटैच वॉशरूम के साथ। तो आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि आपने वीडियो कंप्लीट एंड तक देखनी है, क्योंकि घर की डिटेल्स, डिमांड और तमाम तर तफसीलात आपका साथ मैं इस वीडियो में शेयर करूँगा। एंड सबके अलावा अगर आप अपना घर खुद से कंस्ट्रक्ट करना चाहते हैं तो आपको हाउस कंस्ट्रक्शन के टिप्स मिल जाएंगे। आपने अपना हाउस प्लान कैसा डिसाइड करना है उसके बारे में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अगर आप में से कोई भी मेरे चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे आप लाजमी प्रेस कर दें, ताकि आने वाली हर नई वीडियो के बारे में आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। एंड अब चलते हैं इस 6.5 मरला कॉर्नर हाउस का विजिट स्टार्ट करते हैं। जी तो व्यूअर्स, ये आप देख सकते हैं घर का फ्रंट एलिवेशन है, काफ़ी ज़बरदस्त और अमेजिंग किस्म का इसका जो फ्रंट एलिवेशन है वो डिज़ाइन किया गया है। फ्रंट एलिवेशन पे कंप्लीट ग्राफी का इस्तेमाल किया गया है। सबसे पहले आप देख सकते हैं कि एक तरफ प्लॉट वेकेंट है, दूसरी तरफ हमारे पास ओपन है। मैंने आपसे डिस्कस किया कि कॉर्नर हाउस है ये, सो इसकी ये वाली साइड भी ओपन है, बैक भी ओपन है, तो वेंटिलेशन भी अच्छी होगी, प्राइवेसी का मसला भी नहीं होगा। इसके अलावा इसका फ्रंट भी काफ़ी अच्छा डिज़ाइन हुआ है, काफ़ी बड़ा फ्रंट है एंड 6.5 मरला कॉर्नर हाउस है ये। तो इसमें 7.5 मरला की जो कैटेगरी होती है उसको टच किया गया है, प्रॉपर एक डबल यूनिट हाउस किया गया है। तो एज आई सेड के कॉर्नर हाउस है, तो अब मैं आप सबको इसका कॉर्नर का व्यू करवा देता हूँ। व्यूअर्स, ये आप देख सकते हैं इसका कॉर्नर का व्यू है एंड ये सारा आपके पास ग्रीन एरिया है, प्लांटेशन आपकी अच्छी हो सकती है। ये सेकंड गेट है, सेकंड कार पोर्च यहाँ बना हुआ है, तो घर के अंदर से इसको विजिट करेंगे। एंड अब चलते हैं इसका विजिट स्टार्ट करते हैं। आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि आपने वीडियो कम्प्लीट देखनी है एंड इसकी जो प्रॉपर्टी आईडी है वो मैंने मैंशन कर दी डिस्क्रिप्शन में, आपने मुझे कॉन्टैक्ट करके आईडी लाजमी इन्फॉर्म करनी है। तो अब चलते हैं इसका विजिट कंटिन्यू करते हैं। ये आप देख सकते हैं इसका गेट का डिज़ाइन है, काफ़ी ज़बरदस्त और काफ़ी अमेजिंग इसका गेट का डिज़ाइन रखा गया है। इस तरफ हमारे पास अवेलेबल इसका कार रैंप जिस पे कंप्लीट टफ टाइल का इस्तेमाल किया गया है। हेयर वी हैव द इलेक्ट्रिक मीटर इंस्टॉल्ड, 3-फेज मीटर है ये। इसकी प्लांटेशन जो ग्रीन एरिया वो डेवलप अभी करना है। घर बिल्कुल ब्रांड न्यू है लेकिन छोटी मोटी फिनिशिंग रिमेनिंग है, तो वो इंशाल्लाह कंप्लीट करके घर आपके हैंड ओवर किया जाएगा। अब हम मूव करें घर के अंदर, तो सबसे पहले वी हैव द कार पोर्च ऑफ दिस हाउस। आपको मैं मेंशन करता चलूं कि ये हमारे पास अभी फर्स्ट कार पोर्च है, सेकंड कार पोर्च अभी दूसरी साइड पे है, उसको भी देख लेते हैं। सबसे पहले आप आ जाते हैं सीलिंग की डिज़ाइनिंग की तरफ, तो काफ़ी अमेजिंग सीलिंग की डिज़ाइनिंग है। ये हमारे पास मेन एंट्रेंस है और ये हमारे पास ड्राइंग रूम की एंट्रेंस है। कंप्लीट फैंसी टाइलिंग का इस्तेमाल किया गया है फ्लोरिंग पे। ये कार पोर्च की फ्लोरिंग है, यहाँ पर आपकी कोई भी एक बड़ी गाड़ी या कोई भी एक छोटी गाड़ी इजीली एट अ टाइम पार्क हो सकती है। इस तरफ हमारे पास यहाँ पे अंडरग्राउंड वाटर टैंक है, पानी की मोटर भी फिक्स्ड है और काफ़ी अच्छी यहाँ पे काफ़ी स्पेशियस गली भी डिज़ाइन की गई है। यहाँ पे वॉलपेपर का इस्तेमाल किया गया है, काफ़ी खूबसूरत निश इस्तेमाल की गई है, बनाई गई है। और अगर हम बात करते हैं डोर डिज़ाइन की, तो ये हमारे पास मेन डोर है, डबल डोर, अच्छा वुडन वर्क हुआ हुआ है, हाइटेड डोर है एंड ग्रेनाइट के डबल स्टेप्स हैं। ये एंट्रेंस जो है यहाँ से हमारे पास एक्सेस जा रही है ड्राइंग रूम की तरफ, तो उसको भी स्टेप बाय स्टेप व्यू कर लेंगे। घर के अंदर हम एंटर होते हैं मेन एंट्रेंस के थ्रू एंड सबसे पहले हमारे पास आ जाता है इसका फर्स्ट टीवी लाउंज। तो ये हमारे पास मेन वॉल है, काफ़ी डिसेंट और काफ़ी अमेजिंग वॉलपेपर का इस्तेमाल किया गया है। गैस पॉइंट है, ये हमारे पास LED पॉइंट रखा गया है। और फ्लोरिंग की तरफ अगर हम आते हैं तो कम्प्लीट हमारे पास यहाँ पर टाइल फ्लोरिंग है, स्कॉटिंग ब्लैक कलर में। बेसिकली जो कैटेगरी है, जो सराउंडिंग है, वो 5 मरला की है यहाँ पे, बट यहाँ पे एक्स्ट्रा लैंड को कवर किया गया है, एक्स्ट्रा लैंड को इन्वॉल्व करके घर के साइज़ को बड़ा किया गया है। एक्स्ट्रा लैंड के जितने भी एक्स्ट्रा चार्जेस थे वो पेड हैं ओनर की तरफ से, सो दैट्स वाई जो घर है ये 6.5 मरला कॉर्नर हाउस है। तो अगर हम बात करेंगे फ्लोर प्लान की, तो यहाँ पर हमारे पास एक ये बेडरूम है, एक ये बेडरूम है, ये हमारे पास ड्राइंग रूम है, सामने किचन है। ये आप सीलिंग की डिज़ाइनिंग देख लें, काफ़ी अमेजिंग सीलिंग की डिज़ाइनिंग है, काफ़ी अच्छी लाइटिंग हुई हुई है और सीलिंग की हाइट भी काफ़ी ज़बरदस्त रखी गई है। और सामने हमारे पास यहाँ से एक्सेस जा रही है अपर पोर्शन की तरफ और सेकंड कार पोर्च की तरफ। तो पहले हम इसका ड्राइंग रूम देख लेते हैं। ड्राइंग रूम पे यहाँ पे ओपन रखा गया है इसको, और यहाँ से एक्सेस कार पोर्च से आ रही है और यहाँ से एक्सेस हमारे पास मेन एंट्रेंस से आ रही है। यहाँ पे वुडन डिज़ाइनिंग की गई है, सीलिंग की हाइट काफ़ी ज़बरदस्त है और वाइट फैन कंपनी के सीलिंग फैन इस्तेमाल किए गए हैं। और फ्लोरिंग की तरफ अगर हम आएंगे तो सेम वही फ्लोरिंग है, टाइलिंग है, जो हमारे पास यहाँ पे कंप्लीट आप देख सकते हैं कि लाउंज में भी इस्तेमाल की गई है। और स्कॉटिंग ब्लैक कलर में है, यहाँ पे काफ़ी डिसेंट वॉलपेपर का इस्तेमाल किया गया है और बाकी रिमेनिंग जितनी भी वॉल है हमारे पास उसको सिंपल व्हाइट कलर का पेंट किया गया है, ऑफ वाइट पेंट। ये गैस पॉइंट है इसका ड्राइंग रूम का। एंड अब मैं आप सबको ड्राइंग रूम के एंगल से अगेन जो हमारा लिविंग एरिया है, टीवी लाउंज है, उसका रिव्यू करवा रहा हूँ, आप इसको रिव्यू कर सकते हैं। और काफ़ी अच्छी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी है इसकी। टर्न करेंगे लेफ्ट साइड की तरफ, तो ये हमारे पास आ गया इसका फर्स्ट बेडरूम। ये वैसे कंपैरेटिवली काफ़ी छोटा साइज़ है बेडरूम का, बट जैसे कि आपको मैंने बताया कि कॉर्नर हाउस है तो उन्होंने कॉर्नर का एरिया कवर किया है। डबल वेंटिलेशन विंडोज़ हैं,
एंड गैस पॉइंट आप देख सकते हैं, ये हमारे पास वॉल पे डिज़ाइनिंग है। वाइट फैन इस्तेमाल किए गए हैं यहाँ पे। सीलिंग की डिज़ाइनिंग आप देख सकते हैं, काफ़ी अच्छी सीलिंग डिज़ाइनिंग है। एंड इस तरफ हमारे पास अवेलेबल है इसका अटैच वॉशरूम, ये आप इसको रिव्यू कर लें। वॉशरूम की अच्छी फिनिशिंग हुई भी है, वाइट कलर का कमोड है, प्लस स्टाइलिंग जो आप देख सकते हैं यहाँ तक अटैच्ड है। वेंटिलेशन के लिए हमारे पास दोनों ऑप्शन हैं। इस बेडरूम की जो वार्डरोब्स हैं वो हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल हैं, ये आप देख सकते हैं, और ये वार्डरोब्स भी फुली हाइटेड हैं। तो अब मैं आप सबको इस बेडरूम के एंगल से जो हमारा मेन लिविंग एरिया है इसका रिव्यू करवा रहा हूँ। ये हमारी मेन एंट्रेंस है और ये हमारे पास ड्राइंग रूम की एंट्रेंस है। ये ड्राइंग रूम हम विज़िट कर चुके हैं, ये कंप्लीट हमारा लिविंग एरिया है, उसको भी हम देख चुके हैं, विज़िट कर चुके हैं। और यहाँ से हम टर्न करेंगे लेफ्ट साइड की तरफ तो हमारे पास आ जाता है इसका फर्स्ट किचन। फर्स्ट किचन है और क्लोज किचन है। सबसे पहले हम बात करते हैं एसेसरीज की, तो हमारे पास यहाँ पे सुपर एशिया कंपनी की एसेसरीज इस्तेमाल हुई हुई है, पार्को कंपनी की एसेसरीज इस्तेमाल हुई हुई है। ये कंप्लीट जो है हमारे पास ग्रेनाइट के स्लैब्स इस्तेमाल हुए हैं, बाकी रिमेनिंग आप वॉल्स जितनी भी देख रहे हैं कम्प्लीटली टाइल्ड वॉल्स हैं। ये वेंटिलेशन के लिए विंडो भी है, एग्जॉस्ट फैन भी है। अपर कैबिनेट्स हमारे पास जितनी भी हैं सारी की सारी व्हाइट कलर में हैं। लोअर कैबिनेट्स हमारे पास व्हाइट कलर के साथ साथ ब्लैक कलर में भी अवेलेबल हैं। और अगर हम आएंगे फ्लोरिंग की तरफ तो हेयर अगेन यहाँ पे भी टाइल फ्लोरिंग है, स्कॉटिंग मैचिंग में है। अब मैं आप सबको इस किचन के एंगल से जो टीवी लाउंज है हमारा लिविंग एरिया उसका रिव्यू करवा रहा हूँ ताकि आपको मज़ीद बेहतर तरीके से इसका आइडिया हो जाए। फर्दर नेक्स्ट मूव करेंगे तो ये आ गया हमारे पास इसका बेडरूम। ये भी एक नॉर्मल साइज का बेडरूम है। वॉल पे काफ़ी ज़बरदस्त डिज़ाइनिंग है यहाँ पे हमारे पास। गैस पॉइंट आप देख लें, टाइल फ्लोरिंग है, स्कॉटिंग साथ ब्लैक कलर में है। और ये हमारे पास डोर के बैक साइड पे कंप्लीट जो है वो वार्डरोब्स अवेलेबल है जो कि फुली हाइटेड हैं। वेंटिलेशन विंडो है। साथ हम चलते हैं इसके वॉशरूम की तरफ, तो हियर वी हैव द अटैच वॉशरूम ऑफ दिस बेडरूम। ये आप देख लें वेंटी काफ़ी अच्छी है और जो टाइलिंग है वो ब्लैक एंड वाइट कलर की कम्बिनेशन में है। इस वॉशरूम में जो टाइलिंग है वो फुल ऊपर तक अटैच्ड है। और वेंटिलेशन के लिए हमारे पास विंडो के अंदर एग्जॉस्ट फैन को फिक्स किया गया है। तो इस बेडरूम को विजिट करने के बाद अब हम दोबारा से चल रहे हैं लाउंज की तरफ, और आप सबको बताता चलूँ कि हमने ग्राउंड पोर्शन का विजिट कंप्लीट कर लिया है। दो बेडरूम्स हैं अटैच वॉशरूम के साथ, किचन, टीवी लाउंज एंड ड्राइंग रूम। फर्दर नेक्स्ट मूव करेंगे हम साइड पे जो हमने देखा था एरिया, ये आप देख सकते हैं। अगर आप इसको कम्प्लीटली क्लोज कर देते हैं तो आपकी पार्टीशनिंग हो जाती है, आप चाहें तो एक पोर्शन में खुद भी रह सकते हैं और आप एक पोर्शन को इजिली रेंट आउट भी कर सकते हैं। तो ये हमारा छोटा सा एक लॉबी एरिया है। ये हमारा जो सेकंड गेट है उसकी मेन एंट्रेंस है, पोर्च वो है, ये सारी स्पेस हमारे पास ओपन है। तो ये हम आ चुके हैं इसके सेकंड कार पोर्च में। सेकंड कार पोर्च भी थोड़ा सा छोटा है, यहाँ पे आपकी छोटी गाड़ी इजीली पार्क हो सकती है। और कंप्लीट यहाँ पे ग्राफी का इस्तेमाल किया गया है। बाकी हमारे पास ये साइड ओपन है, बैक भी हमारे पास ओपन है, बैक में मेन रोड है। और बाकी ये डिज़ाइनिंग आप देख लें, ये आपके टैप्स अवेलेबल हैं और यहाँ से एक्सेस जा रही है अपर पोर्शन की तरफ। ब्लैक ग्रेनाइट का इस्तेमाल किया गया है स्टेयर्स पे। चलते हैं अपर पोर्शन की तरफ, और बेसिकली ये 5 मरला की कटिंग है बट यहाँ पे इसको 7 मरला की कटिंग में कन्वर्ट किया गया है। 6.5 मरला हाउस है, ये कॉर्नर कैटेगरी का हाउस है, एक्स्ट्रा लैंड के चार्जेस पे किए गए हैं। तो हम आ चुके हैं अपर पोर्शन में, ये मेन एंट्रेंस है अपर पोर्शन की, और इन स्टेयर्स के थ्रू अभी ऊपर आए हैं। यहाँ से एक्सेस जा रही है छत की तरफ, एंड ये आ गया हमारे पास इसका सेकेंड टीवी लाउंज। सेकेंड टीवी लाउंज भी काफ़ी स्पेशियस है और काफ़ी अच्छे साइज का टीवी लाउंज है। पैटर्न सेम वही है, यहाँ पे वॉलपेपर डिफरेंट इस्तेमाल किया गया है। रिमेनिंग जो है ये एलईडी पॉइंट है, सेम उसी तरह का रखा गया है जैसा हमारे पास ग्राउंड पोर्शन में अवेलेबल है। ये गैस पॉइंट है। आते हैं फ्लोरिंग की तरफ, तो कम्प्लीट टाइलिंग है, फैंसी टाइलिंग के साथ साथ जो स्कॉटिंग है वो ब्लैक कलर में है। तो किचन के ऊपर किचन, बेडरूम्स के ऊपर बेडरूम्स, एंड इस तरफ भी बेडरूम के ऊपर बेडरूम। इट मीन्स कि ये वॉल टू वॉल कंस्ट्रक्शन यहाँ पे हुई हुई है। सीलिंग की हाइट काफ़ी अच्छी है, सीलिंग की डिज़ाइनिंग काफ़ी आउटस्टैंडिंग किस्म की है, काफ़ी फैंसी लाइटिंग का इस्तेमाल किया गया है। तो कॉर्नर हाउस है ये, एंड 2+3 का यूनिट है यहाँ पे हमारे पास अवेलेबल है। तो विजिट स्टार्ट करते हैं अपर पोर्शन का। ये हमारे पास आ गया अपर पोर्शन का फर्स्ट बेडरूम, एक नॉर्मल साइज का बेडरूम है। और यहाँ पे आप देख लें क्लियरली आपको नज़र आ रहा है कि वॉल पे काफ़ी अच्छी डिज़ाइनिंग है। बाकी जो रिमेनिंग वॉल्स हैं इन सब पे ऑफ वाइट पेंट इस्तेमाल किया गया है। सीलिंग का जो पेंट है वाइट कलर में है। गैस पॉइंट अवेलेबल है, गैस वेल इंस्टॉल्ड है। और टाइलिंग की अगर हम बात करेंगे तो फैंसी टाइलिंग है, स्कॉटिंग ब्लैक कलर में है। ये जो फ्लोरिंग है सेम हमारे पास लॉन्ज वाली फ्लोरिंग यहाँ पे इस्तेमाल की गई है। डोर के बिल्कुल बैक साइड पे इसकी वार्डरोब्स हैं जो कि फुली हाइटेड हैं और सीलिंग तक अटैच्ड हैं और वॉल के अंदर फिक्स्ड है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। और ये आ जाता है हमारे पास इसका अटैच वॉशरूम। ये आप देख सकते हैं वॉशरूम का साइज़ भी नॉर्मल है, वाइट कलर का कमोड है। वेंटिलेशन के लिए हमारे पास दोनों ऑप्शन अवेलेबल हैं। तो अब मैं आप सबको इस बेडरूम के एंगल से रिव्यू करवा रहा हूँ, ये आप इसको रिव्यू कर सकते हैं। काफ़ी अच्छे साइज़ का इसका टीवी लाउंज है, काफ़ी अच्छी आपको सिटिंग अरेंजमेंट हो सकती है।
फर्दर नेक्स्ट मूव करते हैं तो ये हमारे पास आ जाता है इसका सेकेंड किचन। सेम वही डिज़ाइनिंग, सेम वही साइज, सेम वही फिनिशिंग की गई है। ब्लैक एंड वाइट कलर की कॉम्बिनेशन है। अपर कैबिनेट्स हमारे पास कंप्लीट वाइट कलर में है। वेंटिलेशन के लिए दोनों ऑप्शंस अवेलेबल हैं। और सुपर एचए कंपनी की हमारे पास अप्लायंसेज हैं, पार्को कंपनी के अप्लायंसेज इस्तेमाल की गई हैं। फ्लोरिंग जो है वो मैचिंग में है हमारे पास लाउंज में। स्कॉटिंग ब्लैक कलर में है। सो अब अगेन आप सब टीवी लाउंज का रिव्यू कर लें। हमारे पास आ जाता है टीवी लाउंज, सेकंड टीवी लाउंज है। और यहाँ से हम टर्न करेंगे राइट साइड की तरफ तो हमारे पास आ जाता है इसका सेकंड बेडरूम। सेम वही पैटर्न है। एंटर होते साथ ही आपके सामने आ जाती हैं इसकी वार्डरोब्स जो कि फुली हाइटेड हैं। और बेडरूम का साइज़ भी बस नॉर्मल ही है। एंड यहाँ पर डिज़ाइनिंग आप देख लें, नॉर्मल नहीं बल्कि बेडरूम का साइज़ भी कंपेरेटिवली कम ही है। ये यहाँ पर गैस पॉइंट है। और ये हमारे पास आ जाता है इसका अटैच वॉशरूम, वेंटिलेशन के लिए विंडो एंड एग्जॉस्ट फैन। तो अब मैं आप सबको इस बेडरूम के एंगल से रिव्यू करवा देता हूँ। ये आप इसको चेक कर लें, काफ़ी ज़बरदस्त व्यू आ रहा है इसका। और इसको विज़िट करने के बाद हम टर्न करेंगे राइट साइड की तरफ तो हमारे पास आ गया इस घर का लास्ट एंड फिफ्थ बेडरूम। ये भी एक नॉर्मल साइज़ का बेडरूम है। फ्लोरिंग सेम वही है जो हमने अभी व्यू की है पूरे टीवी लाउंज में। इस तरफ हमारे पास टेरेस भी कनेक्टेड है और वॉशरूम भी है। वाइट फ़ैन इस्तेमाल किए गए हैं, सीलिंग फ़ैन, और सीलिंग की डिज़ाइनिंग में काफ़ी ज़बरदस्त है। तो चलते हैं वॉशरूम की तरफ। उससे पहले आप ये देख लें इसका ये ड्रेसिंग एरिया है, वार्डरोब्स इस्तेमाल की गई हैं। एंड ये आ गया इसका अटैच वॉशरूम, वाइट एंड ब्लैक कलर की कम्बिनेशन है। एंड वेंटिलेशन के लिए दोनों ऑप्शन अवेलेबल हैं। यहाँ से एक्सेस जा रही है हमारे पास टेरेस की तरफ तो ग्रेनाइट के स्टेप हैं एंड टाइल फ्लोरिंग है। बाकी जो लोकेलिटी का व्यू है मैं आपको छत से करवा दूँगा। आसपास घर बने में फैमिलीज भी रह रही हैं। तो आप सबको बताता चलूँ कि हमने दोनों पोर्शन का बजट कम्प्लीट कर लिया। 5 बेडरूम्स हैं अटैच वॉशरूम के साथ, डबल किचन, डबल टीवी लाउंज, ड्राइंग रूम भी अवेलेबल है। रिमेनिंग हमारे पास रहेगी छत। छत पे हमारे पास 7 क्वार्टर अटैच वॉशरूम के साथ। चलते हैं छत की तरफ, छत का विजिट कर लेते हैं। स्टेप्स आप देख लें, ब्लैक ग्रेनाइट का इस्तेमाल किया गया स्टेप्स पे भी। और आपको मैं लोकेलिटी का व्यू करवा देता हूँ और सराउंडिंग का भी व्यू करवा देता हूँ। काफ़ी पीसफुल और सिक्योर लोकेशन है, आसपास घर बने हुए हैं और पार्क भी वॉकिंग डिस्टेंस पे अवेलेबल है। तो हम आ चुके हैं छत पे, यानी कि रूफ टॉप पे। कंप्लीट चिप्स की फ्लोरिंग है। आप पहले ये देख लें, काफ़ी स्पेशियस छत है और काफ़ी ज़बरदस्त व्यू आ रहा है इसका। ये हमारे पास पानी की टंकी है कंक्रीट की। और फर्दर नेक्स्ट मूव करेंगे तो ये आ जाता है हमारे पास इसका सर्वेंट क्वार्टर। सामान रिमेनिंग है, फिनिशिंग इस घर की चल रही है, छोटे मोटे काम रिमेनिंग है, कंप्लीट करके घर आपके हैंड ओवर किया जाएगा। और इस तरफ है इसका वॉशरूम, इसकी भी थोड़ी बहुत फिनिशिंग रिमेनिंग है। एंड अब मैं आप सबको इसका फ्रंट से व्यू करवा देता हूँ। टॉप हाइटेड लोकेशन है और फुल सिक्योर लोकेशन है। ये आप देख सकते हैं फुल आसपास घर बने हुए, फैमिलीज रह रही हैं। और हमारे पास ये साइड भी ओपन ही है। इस स्ट्रीट में पार्क अवेलेबल है। एक स्ट्रीट से नेक्स्ट में जाते हैं, पार्क अवेलेबल है, बैक पे रोड है और फुल डेवलप्ड एंड पॉपुलेटेड एरिया में घर हमारे पास अवेलेबल है सेल के लिए। गैस, बिजली, पानी यहाँ पर हर चीज़ अवेलेबल है। इस घर में गैस की डॉक्यूमेंटेशन हुई हुई है, गैस अप्लाइड है, तो इंशाल्लाह एज सुन एज पॉसिबल गैस भी इंस्टॉल कर दी जाएगी। ये बैक से आप व्यू कर लें, बैक पे रोड है। और आप सबको बताता चलूं कि हमने इसी के साथ साथ विजिट कंप्लीट कर लिया। अब हम मूव बैक करेंगे दोबारा से ग्राउंड पोर्शन की तरफ और आपके साथ में तमाम तर तफसीलात एक मरतबा फिर से शेयर कर देता हूं। जी तो व्यूअर्स, इसी के साथ साथ हमने इस ब्रांड न्यू 6.5 मरला कॉर्नर हाउस का विजिट कम्प्लीट कर लिया। इसकी डिटेल्स कुछ इस तरह से कि ब्रांड न्यू हाउस है, 6.5 मरला कॉर्नर हाउस है, डबल गेट है, डबल कारपोर्ट के साथ। और इसके ये है कि प्लस पॉइंट है कि टू साइडेड ओपन हाउस है। ये साइड पे भी घर नहीं बनेगा, बैक पे भी घर नहीं बनेगा। एक तो वेंटिलेशन आपके घर की अच्छी होगी, इसके अलावा प्राइवेसी का भी मसला नहीं होगा। तो 5 बेडरूम्स हैं अटैच वॉशरूम के साथ, डबल किचन है, डबल टीवी लाउंज है, ड्राइंग रूम भी अवेलेबल है एंड छत पे भी है 7 क्वार्टर विद अटैच वॉशरूम। कंस्ट्रक्शन क्वालिटी बहुत आउटस्टैंडिंग किस्म की है, लोकेलिटी बहुत पीसफुल है। इसके अलावा अगर बात करें तो इसकी डिमांड की, जो इसकी आस्किंग प्राइस है वो है 1,70,00,000, 1,70,00,000 रुपये इसकी डिमांड की जा रही है। बट ये नेगोशिएबल डिमांड है। आप मिस्त्री को भी अगर पसंद आए तो आपके स्क्रीन पर मेरा कॉन्टैक्ट नंबर मेंशन है, आप कॉन्टैक्ट करके इस घर के बारे में डील कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपको बेस्ट सर्विसेज प्रोवाइड की जाएंगी। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो काइंडली लाइक कर दें। एंड अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर लाजमी प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो के बारे में आपको नोटिफिकेशन और अपडेट्स मिलती रहे। सो नाउ लेट्स एंड दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।